दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं, उन्हें महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की शर्मनाक हार के बाद मचा मुंबई के ड्रेसिंग रूम में बवाल हो गई। रोहित हार्दिक के बीच गाली गलौज, तो नीता अंबानी के भी उड़ गए होश। जहाँ अब खुद नीता अंबानी ने ड्रेसिंग रूम में हुए भयंकर विवाद का खुलासा करते हुए एक ऐसे खिलाड़ी को हार का दोषी ठहराया है जिसका नाम सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार क्यों आपस में लड़ पड़े थे हार्दिक पांड्या और रोहित, क्या थी असली वजह, ऐसा क्या कुछ दिल दहला देने वाला खुलासा किया है नीता अंबानी ने अपने बयान में, वो तो हम आपको उनके मुंह से ही सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित और हार्दिक में किसे मुंबई का कप्तान होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, नीता अंबानी ने मुंबई के लिए अब तक के इतिहास का सबसे खराब फैसला किया हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाकर। इसके बाद से मुंबई का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। पहले तो हार्दिक पांड्या के खिलाफ नफरत की आग शुरू हुई, फैंस ने मुंबई को बॉयकॉट किया। 2024 सीजन की शुरुआत में मुंबई को हार्दिक की कप्तानी में एक के बाद एक लगातार 3 करारी हार मिली। तो जब रोहित ने हार्दिक पांड्या को सपोर्ट किया, मुंबई को जीत की पटरी पर वापस लाया, तब हार्दिक पांड्या ने अब एक बार फिर से ऐसी हरकत कर दी है जिसकी वजह से न केवल मुंबई को चेन्नई के खिलाफ वानखेड़े में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, बल्कि अब तो ड्रेसिंग रूम में ही हार्दिक और रोहित के बीच भयंकर विवाद हो गया, जिसे देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि अब दोबारा हमें हार्दिक और रोहित का भी साथ खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई और मुंबई के बीच एक कांटे का मुकाबला हुआ जो धोनी और रोहित के लिए सालों तक याद किया जाएगा। लेकिन कप्तान हार्दिक ने यहाँ भी अपनी मनमानी करते हुए पारी का आखिरी ओवर खुद करना चाहा, बावजूद उसके जब वो अपने पहले गेंदबाजी में आए थे तब उन्हें शिवम दुबे ने बेरहमी से पीटा। तो जब पारी का आखिरी ओवर लेकर आए, इस बार वो धोनी के हत्थे चढ़ गए और धोनी ने भी उन पर बिल्कुल रहम नहीं किया। एक के बाद एक 3 ताबड़तोड़ ऐसे छक्के जमाए जिसने तो हार्दिक पांड्या को तारामंडल के दर्शन करा दिए। चेन्नई ने 206 रन बना डाले। अंत में जब मैच का रिजल्ट आया तो मुंबई रोहित के 105 रनों की आदेशी शतक के बावजूद केवल 20 रनों से हारी, यानी कि कहीं ना कहीं हार्दिक के अंतिम ओवर में 20 रन मुंबई को बहुत भारी पड़े। और बल्ले से योगदान देने की बारी जब आई तो 6 गेंद बर्बाद करके हार्दिक केवल 2 रन बना पाए थे, यानी कि कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या अपनी टीम के लिए केवल बोझ या फिर कहें उससे भी कहीं अधिक हार के सबसे बड़े विलन बन गए। बस इसी बात को लेकर मुंबई के खिलाड़ियों और हार्दिक पांड्या के बीच मामला काफी बिगड़ गया। जब हार के बाद मीटिंग की गई तो उसमें किसी ने हार्दिक पांड्या को हार का विलन कह दिया, जिसके बाद तो हार्दिक पांड्या भड़क गए और रोहित पर धीमी पारी खेलने का इल्जाम लगाने लगे। रोहित भी अपनी बेइज्जती ऐसे सहते जिसके बाद हद से ज्यादा बात आगे बढ़ गई। रोहित और हार्दिक के बीच मामला गाली गलौज तक पहुंच चुका था। माहौल इतना गर्मा गया था कि बीच बचाव में साथी मुंबई के खिलाड़ियों को आना पड़ा और दोनों को अलग करना पड़ा। यह सब नजारा देखकर तो खुद नीता अंबानी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक की अब खुद सामने से आकर उन्होंने ऐसा दिल दहला देने वाला सनसनी केस खुलासा किया है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नीता अंबानी ने बताया कि मैं बेहद निराश हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए। धोनी ने अंत में जो 3 छक्के मारे वो कहीं ना कहीं इस मैच का टर्निंग पॉइंट थे। हम 20 रन से हारे हैं, रोहित को किसी का साथ नहीं मिला, उन्होंने धीमी पारी बिल्कुल भी नहीं खेली, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हार्दिक टीम को मैनेज नहीं कर पा रहे, उनकी प्लेइंग 11 को ही अपने कप्तान पर भरोसा नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। ड्रेसिंग रूम में भी माहौल काफी निराशाजनक है, हमारी टीम ग्रुप्स में बढ़ चुकी है, कोई किसी का साथ दे रहा है तो कोई किसी के साथ है, और इस समय केवल हार का इल्जाम एक दूसरे के सर पर डालने की लड़ाई चल रही है। तो केवल यही नहीं दोस्तों, आगे उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगी कि जल्द से जल्द माहौल ठीक हो जाए और हम एक बार फिर से वन फैमिली की तरह एक दूसरे को ट्रीट करें जो हमारा पिछले 16 साल से मोटो रहा है। मैं हार्दिक से भी यही उम्मीद कर रही हूं कि वो अपनी हरकतों और कप्तानी स्किल पर काम करे, क्योंकि ऐसे तो हमारा आईपीएल चैंपियन बनना तो दूर, हम प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे नीता अंबानी ने भी बता दिया कि मुंबई के मैनेजमेंट में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, खिलाड़ी एक दूसरे से नाराज हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रोहित और हार्दिक में किसे होना चाहिए मुंबई का कप्तान? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।